गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी 2 का पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। भाषा। भाषा किसे कहते हैं? जब हम आपस में बात करते हैं, या आप आपस में बात कर रहे होते हैं, तो जब आप कुछ बोलते हैं तो सामने वाला उस बात को समझता है ना, और आपको जवाब देता है, फिर आप उसकी बात को समझते हो, तो ये ही भाषा कहलाती है। इस प्रकार हम भाषा किसे कहेंगे? हम अपनी बात बोल कर या लिख कर दूसरों को समझाते हैं, और दूसरों की बातों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं, यही भाषा कहलाती है। जैसे आपके लेसन में दे रखा है कि दो लड़कियां आपस में बात कर रही हैं, वह एक दूसरे की बातों को समझ रही है, तो यही भाषा कहलाती है। इस प्रकार भाषा की परिभाषा क्या होगी? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। मतलब आप जब बोलते हैं तो सामने वाला आपकी बातों को सुनता है और समझता है। जब वह सुनकर समझकर आपको जवाब देता है तो आप उसकी बातों को सुनकर समझते हैं, तो यही भाषा कहलाती है। अब भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा का मतलब होता है मुँह से बोलने वाली भाषा। अगर आप किसी को अपनी बात बोल कर समझाते हो तो वो भाषा का मौखिक रूप होता है। जैसे आपने कोई कविता पढ़ी, कविता सुनाई, कोई चुटकुला सुनाया, कोई कहानी सुनाई, कोई भाषण दिया, तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया? जैसे आप मौखिक भाषा। जैसे आप टीवी देखते हो तो उसमें आप सुनकर समझते हो, तो ये कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। परंतु जब आप कोई भाषा लिखित भाषा जब आप कोई बात लिख कर लिखी हुई बात को पढ़ते हो और समझते हो, तो भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित रूप हो गया। जैसे पत्र पढ़ना, कविता पढ़ना, कहानी पढ़ना, पेपर न्यूज़ पढ़ना, तो ये सब भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित रूप हो गया। तो भाषा के कितने रूप हुए? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा जो मुंह से बोली जाती है और सुनकर समझी जाती है, और लिखित भाषा जो पढ़कर समझी जाती है। इसके बाद आता है, आपने देखा होगा कि सड़क पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस जो होता है वो वाहनों को रुकने का, चलने का इशारा करता है। तो इन इशारों से तो हम समझ जाते हैं, परंतु इसे यह कोई भाषा नहीं होती है, क्योंकि ऐसे इशारे तो जानवर भी करते हैं आपस में, परंतु हम उनकी भाषाओं को नहीं समझ पाते हैं, तो यह भाषा का रूप नहीं माना जाता है। अब अन्य भाषाएं, भारत देश में 29 राज्य हैं और हर राज्य में अलग अलग भाषाएँ बोली जाती हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी, केरल में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी, और बंगाल में बंगाली। तो हर भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में बहुत से राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। हमारे देश के अधिकतर राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। जैसे लगभग 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। पूरा राष्ट्र या देश में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। मतलब अगर कोई भाषा ऐसी है जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है, तो वो भाषा कौन सी भाषा हो जाती है? राष्ट्रभाषा हो जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब आता है हमारा लिपि। तो लिपि किसे कहेंगे? प्रत्येक भाषा को लिखने की अलग अलग लिपि होती है। जैसे लिपि का मतलब होता है विधि। हर भाषा को लिखने की अलग विधि होती है, अलग तरीका होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप अंग्रेजी को अलग तरीके से लिखते हैं, संस्कृत आप अलग तरीके से लिखते हैं, हिंदी आप अलग तरीके से लिखते हैं, उसी तरह से मलयालम, उड़िया, मराठी, जो अलग अलग भाषाएं हैं उनको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, और उन भाषाओं को लिखने का जो तरीका होता है वही लिपि कहलाती है। तो लिपि की परिभाषा क्या हुई? लिखने की विधि लिपि कहलाती है। अब हाँ, आप दोहराएं जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम दोहरा लेते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। लिखने की विधि क्या कहलाती है? लिखने की विधि लिपि कहलाती है। हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भाषा हमें क्या सिखाती है? भाषा हमें बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाती है। आप अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों को अपने जन्मदिन पर बुलाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप या तो उन्हें फ़ोन करके बुलाएंगे या फिर पत्र लिखकर बुलाएंगे। अब आपको इस पार्ट का बुक वर्क करना है और इस पार्ट को अच्छे से पढ़ना है, और जब आप इस वीडियो को देखें तो आपको बुक खोलकर रखना है।